अक्सर लोग अपने अतीत में ही खो जाते हैं। अतीत की वजह से ही हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य खत्म हो चुका है। जीवन का सच असल में इस वर्तमान काल में ही है। सारी शक्ति वर्तमान में है। अतीत का आपके ऊपर कभी कोई जोर नहीं था। फर्क ये था कि आपके दिमाग ने आपको ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि आप अपने अतीत के कैदी हैं। जिंदगी को अगर वापस खुशहाल बनाना है तो आंखें हमेशा भविष्य की तरफ, मगर ध्यान हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में ही सारी शक्ति है। हम उस शक्ति से अपने भविष्य को कोई भी दिशा दे सकते हैं। तो आज हम इसी काम के लिए ध्यान में जाएंगे। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और चेहरे पर एक मुस्कान रखें। देखिए कि आपका शरीर एक सफ़ेद प्रकाश से घिरा हुआ है और आपके सर के ऊपर से एक प्रकाश प्रवाहित होकर आपके पूरे शरीर में आ रहा है। सर से लेके कमर तक और कमर से नीचे पैरों तक, और धीरे धीरे वो ज़मीन में समा रहा है। अब अपना ध्यान अपने भावों के बीच रखें। एक लंबी गहरी सांस भर के हम इसे रोकेंगे और सांस धीरे धीरे हम अपने मुंह से छोड़ते जाएंगे। फिर से एक और लंबी गहरी सांस भरिए और अब इस सांस को मुंह से धीरे धीरे छोड़ते जाइए। अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, अपनी टांगों को, कमर के निचले हिस्से को ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोकने के बाद अब इसे जब हम धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ेंगे तो हम अपने कमर के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ देंगे, छाती को, हृदय को ढीला छोड़ देंगे। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और अब अपने कंधों को ढीला छोड़ते हुए सांस बाहर जाने दें। हथेलियों को, हाथों को ढीला छोड़ दें। गर्दन को, मस्तिष्क को, सारे तनाव से मुक्त हो जाएं। सांस निरंतर आती जाती रहेगी, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी सांस गहरी है या नहीं, क्या ये सांस शरीर के हर हिस्से में जा रही है या नहीं। अब कल्पना कीजिए कि आपके पैरों पे, आपके कमर के निचले हिस्से पे एक बहुत ही भारी कड़ी ज़मीन पे एक खूंटे से बंधी हुई है। कल्पना कीजिए कि आप उड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जब तक ये बेड़ी, ये कड़ी आपको बांध के रखे हुए है, आप चाह के भी उड़ना क्या, चल भी नहीं सकते। इस बेड़ी को देखिए कि ये आपका अतीत है। इसे खोलने की चाबी भी आपके पास है, इससे मुक्त होने के तरीके भी आपके पास हैं। अपने आप को एक शांत स्थिति में रखते हुए कल्पना कीजिए कि आप यहाँ पर उस चाबी को देख पा रहे हैं जिससे ये बेड़ी खुलती है। धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़िए और उस चाबी से इस बेड़ी को खोलिए। इस बेड़ी के निशान आपके पैरों पर ज़रूर है, ठीक उसी तरह जिस तरह अतीत में किए गए हर काम के असर आज तक आपके जीवन पर है। जब आप इस बेड़ी से मुक्त हो चुके हैं, आप यहाँ से चल सकते हैं। उस भाव को अपने अंदर समाते हुए कि जब भी आप शांत स्थिति में बैठते हैं, हर बेड़ी, हर ताले की चाबी आप ढूंढ सकते हैं, ये जानते रहिए। अब देखिए कि आप सिर्फ और सिर्फ इस दायरे से जुड़े नहीं रह गए, आप अपने आप को इस दायरे से बाहर लेकर जाने में सक्षम हैं। मगर उससे पहले कहीं एक और बेड़ी ना लग जाए। हमें ज़रूरत है कि हम जागरूक हों कि हम कौन हैं। अपने आप को माफ़ करने की चेष्टा कीजिए। आपने आज तक जो भी भावनाएं रखी हैं, जिन्होंने आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए खुद को माफ़ कीजिए। साथ में अपने आप को स्वीकार कीजिए। सिर्फ हम अगर ये भी कहते हैं कि मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं जैसा हूँ
मैं वैसा खुद को स्वीकार करता हूँ। उससे हम अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि हम हर तरह के बदलाव के लिए तैयार हैं। तो उसे स्वीकार करते हुए अपने अगले कदम को आगे रखते जाइए और आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस दिशा में चलने लगता है जो आपको आपका परम रूप दिखा सकता है। तो देखिए किस काम के लिए आप इस जीवन में आए थे, इस धरती पर आपने किस काम के लिए जन्म लिया है, क्या है आपका परम रूप, क्या है आपका सर्वोच्च रूप। अब देखिए, कल्पना कीजिए कि आपका शरीर और हल्का होता जा रहा है। जैसे जैसे आप अपने शरीर को बोल रहे हैं, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद को माफ़ करता हूँ और मैं हर उस शख्स को माफ़ करता हूँ जिसने किसी भी तरह से मुझे दुख पहुँचाया है, तो आपका शरीर और हल्का होके ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ये आपकी अंतरात्मा है जो धीरे धीरे अतीत की सारी बीड़ियों को छोड़ते हुए अपनी उड़ान भर रही है। और जब ये अपनी उड़ान भरेगी, ये धीरे धीरे आपको आपके चेतन मन के साथ आपके सर्वोच्च रूप से जोड़ देगी। हर उस व्यक्ति को माफ़ कीजिए जो आपकी तरह ही है। इस दुनिया में हर कोई माफ़ी के लायक है। दूसरों को माफ़ करते हुए हम अपने आप को उनके दर्द से, उनके आक्रोश से मुक्त करते हैं। इस भावना को अपने अंदर समाते हुए देखिए कि कितनी आसानी से आप उड़ान भरे जा रहे हैं। मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपने सर्वोच्च रूप को देखने के लिए तैयार हूँ। एक मन सी मुस्कान चेहरे पर रखते हुए इस भावना को अपने शरीर के हर कण में फैल जाने दीजिए। कभी भी आप अपने आप को अपने अतीत में फंसा हुआ महसूस करें तो इस कल्पना को दोहराइएगा ज़रूर और अपने शरीर को इससे हमेशा के लिए मुक्त कर लीजिएगा। धीरे धीरे इस सारी शक्ति को समेटते हुए अब हम अपने जीवन में वापस आएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और इस ऊर्जा को उसे अपनी आँखों पर रख के धीरे से आँखें खोलिए। स्वागत है आपका, स्वागत है एक अच्छे बेहतर वर्तमान समय में, जहाँ से अब हर पल आप एक खुशहाल भविष्य बनाने के लिए सक्षम हैं।